Mr. Said, Mr. Jeff, Mr. Kota. Assalamu alaikum guys, this is Saad Muhammad with Desi Mountaineer. 27 May, 7:55, Gorisar, जो कि 3680 मीटर के करीब करीब है. यहाँ से हम नज़ीर मुझे देख के हैरान हो रहे हैं कि रातों रात 10 मीटर और कैसे ऊंचे हो गए. बट क्या, सो यहाँ से हम अब निकल रहे हैं. सुबह नाश्ता वाश्ता कर लिया है, आखिरी फ़ोन कॉल्स मिला ली हैं, इसके बाद ऐसा हम के सिग्नल नहीं आएंगे. सो यस, सो विल बी गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स शिमशाल पास. आज इरादा है प्रिय नसर पहुँचने का, जो कि 4000 मीटर पर है. तो देखते हैं, इस पर भी ए लॉन्ग टफ डे. तो सी यू एट उचफुरजीन. गौरेसर से निकलते साथ ही एक स्क्री की स्लोप आती है और उसके बाद ये बारीक और पथरीला ट्रैक एक खाई के साथ साथ चलता जाता है, जिसका ड्रॉप कोई 300-400 मीटर गहरा है और नीचे दरियाए शिमशाल बहता हुआ दूर नजर आता है. दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. रास्ते में रुक के दम लूं, ये मेरी आदत नहीं. लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं. और कोई हम नवा मिल जाए, ये किस्मत नहीं. दिल क्या करूं. सभी फिर 3600 के करीब हैं हम, और वहां पर हमने को 3800 टच किया होगा. वहाँ से कुछ शार्प नीचे उतरे नीचे आता है पस्तफुरजीन, और अभी हम जा रहे हैं उचफुरजीन. पस्त उर्दू में जैसे होता है डाउन, पस्ती उच ऊंचा, फुरजीन बेसिकली जो है ना जूनिपर. तो अब ये जूनिपर फॉरेस्ट है, जूनिपर ग्रूव है, ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे पूछना पड़ेगा. बट अभी हम उचफुरजीन जा रहे हैं. गौरेसर से लेके पस्तफुरजीन और पस्तफुरजीन से लेके उचफुरजीन तक रास्ते में बिल्कुल कोई पानी का नामो निशान नहीं है. ट्रैक के रगेड और चटियल होने के बावजूद मेरा मूड खासा अच्छा था. सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं. सुहाना सफर और ये मौसम हसीन. ट्रैक की चढ़ाई 2.5-3 फुट से ज्यादा नहीं है, और कुछ जगहों पे ये इससे भी बारीक है. लेकिन न जाने वजीर बेग को क्या मस्ती सूझी और उसने जरा सी उतराई देख के स्पीडें मारना शुरू कर दी. रास्ता इतना खुश्क है कि 1.5 दिन में ही आंखें सब्जे को तरस जाती हैं.
और अगर इस मुश्किल रास्ते पे सिर्फ चढ़ाई चढ़नी होती तो शायद इतना गम ना होता। गम इस बात का है कि उतराइयां तो हैं पर वो उतराइयां आपके गुड़े गिठे फर्क कर देती हैं। उच्च फुरजीन से तकरीबन 10-15 मिनट पहले सीधे हाथ पर बड़े ही अजीबोगरीब और मुनफरिद किस्म के मिट्टी के टीले और मीनारे नजर आते हैं। दरिया के उस पार भी कुछ इसी तरह के मिट्टी के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जैसे कि पिघलती बर्फ और तेज़ हवाओं ने पहाड़ की स्लोप को खुर दिया हो। मिट्टी की चट्टानों में गोल मटोल पत्थर जड़े हुए हैं और अजीब खौफनाक किस्म के मिट्टी और पत्थर के मीनारे हवाओं से बातें कर रहे हैं। ये मनाजर देख के मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट पर मौजूद हूँ। कुछ ही देर बाद उच्च फुरजीन के शेपर्ड्स हट नज़र आना शुरू हुए और अपना येलो डफल बैग बाहर देखकर दिल को तसल्ली हुई कि अब कुछ रेस्ट करने को मिलेगा। एक बज के 40 मिनट, 27 मई, कुछ फुरजीन में हमने लंच किया है, थोड़ा सा सूप पिया, थोड़ी सी रोटी खाई, थोड़ी सी कॉफ़ी पी। नाउ वी आर हेडिंग फॉर प्रियन, फिर प्रियन से प्रेम सर। कुछ फुरजीन से निकलने के तकरीबन 10 मिनट बाद ही बड़ी सख्त उतराई है और इस उतराई को उतरने के बाद हम वापस वैली फ्लोर पर दरिया के लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक लकड़ी का पुल है जो क्रॉस करके हम दूसरी तरफ निकलते हैं। जब मैं 2006 में पहली दफ़ा शमशान आया तो ये रास्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बल्कि इस पोर्शन में बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की फ्री रॉक क्लाइंबिंग करके तो नीचे उतरना पड़ता था। अब तो इन उतराइयों पे चलना कोई मसला ही नहीं। इस झूलते झुलाते लकड़ी के पुल पे से गुजरते हुए जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि इतनी रिमोट और मुश्किल जगह पर आखिर ये पुल कैसे बनाया गया होगा। क्या याक और खच्चरों की पीठ पर लाद कर ये सामान यहाँ पहुँचाया गया होगा या फिर मज़दूरों ने अपने कंधों पर इसको उठाया होगा। शिमशाल बल्कि पूरे गुजाल में ही इस तरह के सारे काम कम्युनिटी बेस्ड होते हैं और दुआएं देता हूँ मैं उन लोगों को जिन्होंने हम जैसल के लिए और आम आवाम की आसानी के लिए ये पुल बनाया।